दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग सेडान्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो फरवरी के पूरे महीने में सबसे ज्यादा बिकी हैं। जैसा कि आपने टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स और टॉप सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में देखा, कई सारे बड़े चेंजेस हुए हैं, उनकी जानकारी हमने आपको दी। तो ऐसे ही सेडान की इस लिस्ट में भी कई सारे बड़े अपडेट्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए हर रोज लेकर के आते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की 10th पोजीशन पर आने वाली स्कोडा की ऑक्टाविया के साथ। अभी कुछ महीने पहले ही इसको अपडेट करके लॉन्च किया गया है। 168 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2022 में। इस गाड़ी में आपको कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर देखने को मिल जाते हैं, काफी प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है और जो इसकी ऑन रोड प्रेजेंस है वो भी काफी डिसेंट है। दो वेरिएंट आते हैं इसके अंदर, स्टाइल और LNK। एक्चुअल प्राइस की बात करें तो 26,29,000 रुपए से शुरू होकर के 29,29,000 रुपए तक जाती है। 9th पोजीशन पर आई है Volkswagen Vento। Volkswagen Vento की 277 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2022 में। इस गाड़ी को जल्द ही Volkswagen Virtus से रिप्लेस किया जाएगा, वो भी काफी प्रीमियम फीचर्स के साथ आ रही है मार्केट में। सेडान सेगमेंट में उसको लॉन्च किया जाएगा। Volkswagen Vento की करंट एक्शोरूम प्राइस की बात करें तो 10 लाख रुपए से शुरू होकर के 14,79,000 रुपए तक जाती है और जो Virtus आने वाली है वो भी लगभग 10.5-11 लाख रुपए के आसपास लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि आपको आपके सामने स्लाविया को लॉन्च किया गया लास्ट मंथ, और उसी तरीके से उसकी प्राइस भी टॉप एंड वैन के लिए 17.5-18 लाख रुपए तक जा सकती है। 8th पोजीशन पर आई है Hyundai की Verna, जिसके 1,058 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर फरवरी के महीने में। Hyundai Verna नॉर्मली टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब होती थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि नीचे की साइड आ रही है। इसका जो बेस वेरिएंट ई है उसके लिए एक्चुअल प्राइस 9,32,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल डीजल वेरिएंट के प्राइस 15,36,000 रुपए तक जाती है। नेक्स्ट है स्कोडा की स्लाविया, 1,862 यूनिट्स इसके बिके हैं। इसको लास्ट ईयर अनवील किया गया था पूरे भारत के अंदर और इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई थी। स्कोडा स्लाविया की ऑन रोड प्रेजेंस काफी बेहतर है, सुजुकी सियाज, होंडा सिटी, वर्ना वगैरह से ये राइवल करती है सेगमेंट में और इसकी प्राइसेस को भी काफी डिसेंट रखा हुआ है। स्कोडा स्लाविया की एक्चुअल प्राइस 10,69,000 रुपए से शुरू होती है और 17,79,000 रुपए तक जाती है। सेगमेंट में जल्द ही Volkswagen Virtus को भी लाया जाएगा। नेक्स्ट है 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी सियाज, जिसकी 1,912 यूनिट्स बिकी हैं। मारुति की तरफ से आने वाली इस प्रीमियम सेडान के कई सारी चीजें हैं जो इसको बेहतर बनाती हैं। इसकी ऑन रोड प्रेजेंस भी काफी बेहतर है, कई सालों से इसी लुक में बिक रही है और टोयोटा की तरफ से भी अपडेट निकल करके आई थी कि वो मारुति सुजुकी सियाज का रिबैच वर्जन बेल्टा के नाम से लॉन्च करने जा रहा है। मारुति सुजुकी सियाज की करंट एक्सशोरूम प्राइस 8,67,000 रुपए से शुरू होकर के 11,66,000 रुपए तक जाती है, यानी कि सेगमेंट की जो इसके राइवल्स हैं, जहां से उनकी प्राइस शुरू होती है वहां पे इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है 5th पोजीशन पर होंडा सिटी। होंडा सिटी की 2,836 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर। होंडा सिटी की ये 5th जनरेशन भारत के अंदर बिक रही है, टॉप सेलिंग सेडान में हमेशा ही अपनी जगह बना लेती है और इसका जो ऑन रोड प्रेजेंस है वो काफी बेहतर है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सियाज का टॉप एंड वेरिएंट जितने में आता है उतने में तो इसके राइवल्स का बेस वेरिएंट शुरू होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी एक्शोरूम प्राइस 11,26,000 रुपए से शुरू होती है और 15,21,000 रुपए तक जाती है। 4th पोजीशन पर आई है होंडा अमेज, जिसकी 3,405 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर। कॉम्पैक्ट सेडान है होंडा की तरफ से, डिसेंट सेल रहती है। कुछ महीने पहले ही इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया गया, जहां पर इसके फ्रंट फेशिया में कई सारे अपडेट्स किए गए और इंटीरियर में भी कुछ अपडेट्स देखने को मिले। डिटेल वीडियो भी हमने इसका बनाया था। प्राइजेस को भी थोड़ा सा ही बढ़ाया गया है, ज्यादा बढ़ाया नहीं गया। होंडा इसे प्राइजेस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाता है अपनी गाड़ियों के, नॉर्मली देखा गया है। इसकी एक्चुअल प्राइस की बात करें तो 6,41,000 रुपए से बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है और टॉप एंड वेरिएंट इसका आपको 11,24,000 रुपए का मिल जाता है। 3rd पोजीशन पर आई है Hyundai की Aura। Hyundai Aura के 3,668 यूनिट्स बिके हैं फरवरी में पूरे भारत के अंदर। Hyundai Aura में आपको CNG का ऑप्शन भी देखने को मिलता है पेट्रोल डीजल के साथ साथ, और इस सेगमेंट में यानी सेडान की बात करेंगे तो बहुत ही कम गाड़ियां ऐसी हैं ऐसा CNG देखने को मिल जाता है। अब आने वाले टाइम में तो हो सकता है और भी गाड़ियों में आपको CNG देखने को मिल जाए। एक्शोरूम प्राइस की बात करें Aura की तो 6 लाख रुपए से एक्शोरूम प्राइस शुरू होती है और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 9,37,000 रुपए तक जाती है। सेकेंड पोजीशन पर आई है टाटा की टिगोर, जिसकी 4,091 यूनिट्स बिकी हैं। नॉर्मली ये 4th, 5th या 6th पोजीशन पर रहती थी, लेकिन अब ये 2nd पोजीशन पर आ गई है सेडान सेगमेंट में। वहीं आपने देखा लास्ट मंथ इसमें अनवील किया गया था CNG वेरिएंट, तो CNG वेरिएंट का भी एक खास फर्क पड़ा है जो कि अब इसमें आपको मिलने जा रहा है। पेट्रोल के साथ साथ CNG का ऑप्शन भी मिलता है, जिसने इसकी सेल्स पर खासा प्रभाव डाला है। अब इसकी एक्शोरूम प्राइस की बात कर लें तो 5,79,000 रुपए से शुरू होकर के 8,42,000 रुपए तक जाती है। और हर बार की तरह इस बार भी नंबर 1 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी डिजायर।
17,438 यूनिट्स बिके हैं। मारुति सुजुकी डिजायर में फिलहाल तो आपको केवल पेट्रोल वेरिएंट ही मिल रहा है, लेकिन सीएनजी की टेस्टिंग चल रही है। हो सकता है कुछ महीनों में इसका सीएनजी वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने के बाद ही हम आपके लिए डिटेल वीडियो भी लेकर के आएंगे, या फिर संडे कार न्यूज एपिसोड में जरूर से वो न्यूज शामिल कर लेंगे जैसे ही कुछ आता है। एक्चुअल प्राइस की बात करें तो 6,09,000 रुपए से शुरू होकर के 9,13,000 रुपए तक जाती है। अभी तो कोई खास अपडेट इसमें नहीं हुए हैं, लेकिन नियर फ्यूचर हो सकता है कुछ अपडेट आपको देखने को मिले। जिस स्पीड से मारुति सुजुकी हर महीने कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट निकाल करके सामने ला रहा है, जैसा कि अभी बलेनो लॉन्च की गई, वैगनार लॉन्च की गई, विटारा ब्रेजा की अपडेट आएगी, अर्टिगा, XL6, बहुत कुछ आना बाकी है मारुति सुजुकी की तरफ से। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।